मैदान है जो नामदान चाहे, जो भगवान का गोपनीय धन यानी प्राप्त करना चाहे, अपने जीवन में मरने के पहले कुछ देखना कुछ सुनना चाहे, कुछ वेदवाणी कुछ आसमान वाणी कुछ कलमा कुछ आयते आसमानी आवाज उस अल्लाह ताला की कुछ सुनना चाहते हो तो आप सब खुशी मोहब्बत और प्यार के साथ जो दे दिया जाए उसको ले लो और हिफाजत से और सम्मान से उसको अपने घर में पहले बाल बच्चों की यानी सेवा घर में काम करना बच्चों की सेवा और जब वक्त और समय मिल जाए तो 10 मिनट 15 मिनट भगवान के उस दरवाजे पर बैठ करके जरा भजन तो कर लो, उस खुदा के दरवाजे पर बैठ करके जरा इबादत तो करके देखो कि वो खुदा भगवान 24 घंटे बोलता है और तुमको उनकी आवाज सुनाई देती है। अब तो मैं आपको गंगा जी तो नहीं भेजना हूं, भेजूंगा क्योंकि आपने जल पारी कन्याओं से ला करके और यज्ञशाला में स्थापित कर दिया। अब मुझे आपको गंगा जी भेजने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सुबह स्नान करो और देखो नर नारियों, यह काशी नगरी किसकी? काशी बम भोले विश्वनाथ की नगरी है। 2 पैसे 4 पैसे आने दो आने, तुम इतनी दूर से आए हो, हम एक दिन व्रत करा देंगे। काशी का टैक्स जो भी पंडित पुजारियों का हो या मल्लाओं का हो कोई विद्यार्थियों का हो, आने दो आने चार आने, तुम ऐसे उदार बनना कि इसको दे के जाना। चाहे मल्ला तुम 4 पैसे ज्यादा दे देना खुशी में कि देखो तुमने हमको 5 मिनट में उतार दिया, ले 4 पैसे और ले, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। वो तो जब तुम जाओगे तो हम खेती में तुमको दे देंगे। अगर तुम 4 पैसा मल्ला को दे दोगे और तुम 4 पैसे अगर फंडे पुजारियों को दे दोगे और तुम किसी और को दे दोगे तो तुम ये जल ऐसा जल है कि पंछी के पीने से कभी घटता नहीं। पंछी पिए न नीर घटे और दान दिए न धन घटे, कह गए दास कबीर। तो काशी का कुछ मत छोड़ना, चाहे आते और चाहे जाते 2-4 पैसे फेंक के चले जाना, इसको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। इसलिए सबका अपने भाव में सबका भला चाहो, किसी का नुकसान मत चाहो। और मैं आज इस वक्त भेजूंगा नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यज्ञशाला का आपको परिक्रमा जरूर लगाना पड़ेगा। अभी ठहर जाए, ठहरिए आप, परिक्रमा तो आपको सबको लगाना होगा मेरे सामने। और जो नामदान चाहेंगे, जिनको चाहिए कोई भी हो, नर नारी बच्चे बच्चियां, हम दो ही विभागों को अलग कर रखा है, एक तो नर एक नारी, उसी में बच्चे और बच्चियां भी आ गए, लेकिन हम उनको भी कह देते हैं। हमारे स्कूलों के बच्चों ने काम अब अच्छा करना शुरू कर दिया, अब मैं समझने लगा कि वो भी भाषा और वाणी अवभाव से अब अच्छा काम करने लगे। और बच्चे क्या चाहते, प्यार और क्या चाहिए उनको। स्कूल में करते हैं घर में माँ का प्यार और बाजार में बुजुर्गों का प्यार और दरिया के किनारे महात्माओं का प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इनको प्यार मिल जाए इन विद्यार्थियों को तो ये कालिद से इनको नाव की भी जरूरत नहीं है, पैर के सीधे चले आएंगे, पैर कर आ जाएंगे। लेकिन इनको किसी ने मोहब्बत और प्यार भी नहीं, तो कभी उधर भटकते हैं कभी उधर भटकते हैं कभी उधर भटकते हैं। अगर बच्चों तुमको प्यार लेना है, इस मैदान में पहले इनसे ले लो आकर, जो तुम्हारे ये माँ बाप आ रहे हैं, और जब ये तुमको न दे तो हमको है। तो आप सबके साथ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दौड़ेगा कोई नहीं, धीरे से उठेंगे और यज्ञशाला का परिक्रमा लगाएंगे। उठ जाइए आप, साथ के साथ जाइए, आप पीछे मुड़ जाइए, बच्चों धीरे से मुड़ जाओ,
यज्ञशाला का परिक्रमा लगा के आओ और फिर जो नामदान चाहते हैं वो सीधे चले जाओ दादा के पास, वहां में आगे चल जाओ। धीरे बच्चे जाओ पीछे, अपने वेदों ने भी